भारत के नौ निर्माता हो, युगों तक चिरस्थाई भारत के भाग्य विधाता हो, और इस राष्ट्र के हो तुम हितकारी, इस राष्ट्र के हो तुम हितकारी, एक राष्ट्र समाहित है तुम में, देशभक्ति है रोम रोम में राष्ट्रवाद की भाषा हो, देशभक्ति है रोम रोम में राष्ट्रवाद की भाषा हो, और इस राष्ट्र को ना कोई जीत सका तुम उस भारत का हिस्सा हो, इस राष्ट्र को ना कोई जीत सका तुम उस भारत का हिस्सा हो, सिकंदर के तलवार तोड़े वो पोरस की पौरुषता हो, और चाणक्य हो तुम कूटनीति के, चाणक्य हो तुम कूटनीति के, वो ज्ञान समाहित है तुम में, जिसकी एक प्रतिज्ञा से भी देशद्रोही डर जाता हो, जिसकी एक प्रतिज्ञा से भी देशद्रोही डर जाता हो। और ध्यान दे कि हमारे देश में पहले अतीत में भी और वर्तमान में भी सहिष्णुता की जब बात आती है तो चार पंक्तियां रखता हूं, सहिष्णुता और राष्ट्रवाद को समझे और स्वाभिमान को, कि दुनिया का ऐसा सम्राट जिससे, दुनिया का ऐसा सम्राट जिससे सारी दुनिया थर्राती थी, दुनिया का ऐसा सम्राट जिससे सारी दुनिया थर्राती थी, पर शस्त्र त्याग करके जो सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता हो, पर शस्त्र त्याग करके जो सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता हो, और घास की रोटी खाकर भी जिसने, इशारा समझिएगा साहब, घास की रोटी खाकर भी जिसने राष्ट्रवाद को जीवित रखा, स्वाभिमानी वह महापुरुष था, मुगलों से ना कभी डरा। और आगे मेरी कल्पना क्या है इस राष्ट्र के लिए, कि ये राष्ट्र कैसा हो, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र उत्थान के लिए आओ, राष्ट्र उत्थान के लिए आओ, मिलकर हम सब प्रयास करें, राष्ट्र उत्थान के लिए आओ, मिलकर हम सब प्रयास करें, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा इस कर्तव्य को साकार करे, और अखंडित हो यह राष्ट्र हमारा, अखंडित हो यह राष्ट्र हमारा, सत्य सनातन बना रहे, अरे विश्व पटल पर युगो युगो तक देश हमारा उदित रहे, और दीन दरिद्र ना हो कोई, दीन दरिद्र ना हो कोई, सबको शिक्षा रोजगार मिले, हो समरसता की बात यहाँ, सबको समान अधिकार मिले, हो समरसता की बात यहाँ, सबको समान अधिकार मिले। और राम राज्य की मेरी कल्पना क्या है, कि तब जाकर यह देश हमारा, तब जाकर यह देश हमारा फिर विश्व गुरु बन जाएगा, सपना होगा साकार यहाँ राम राज्य फिर आएगा, सपना होगा साकार यहाँ राम राज्य फिर आएगा। और चलते चलते एक मुक्तक देखें, कि होठों पर हो इंकलाब और दिल में हिंदुस्तान रहे, होठों पर हो इंकलाब और दिल में हिंदुस्तान रहे, राष्ट्र चेतना मस्तिष्क में और मस्तक पर अभिमान रहे, और जब जब भी कोई संकट आए इस भारत की वसुंधरा पर, तब तब खून का कतरा कतरा राष्ट्र हित के नाम रहे, तब तब खून का कतरा कतरा राष्ट्र हित के नाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया कुछ भाई। और आतंकर साहब की पंक्तियां है कि जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे मिसान, लहू से मेरे पहचानी पर हिंदुस्तान लिख देना। अरे अब कवित्री को बुलाते हैं, सिंगारस की कवित्री कुमारी स्मृति दीदी को, और